हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शतावरी के बारे में। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में शतावरी को एक बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी के रूप में बताया गया है। आप अनेक बीमारियों की रोकथाम या इलाज में शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं शतावरी क्या है। शतावरी बेल या झाड़ के रूप वाली एक जड़ी बूटी है। इसकी लता फैलाव वाली होती है और झाड़ीदार होती है। एक एक बेल के नीचे कम से कम 100 इससे अधिक जड़ें होती हैं। ये जड़ें लगभग 30 से 100 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और 102 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। फ्रेंड्स, इसकी जड़ों के दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इन जड़ों के ऊपर भूरे रंग का पतला छिलका रहता है। इस छिलके को निकाल देने से अंदर दूध के समान सफ़ेद जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों के बीच में कड़ा रेशा होता है जो गीली और सूखी अवस्था में ही निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स, शतावरी दो प्रकार की होती है, विरल कंद शतावरी एंड कुंत प्रत्रा शतावरी। फ्रेंड्स, विरल कंद शतावरी, इसके कंद छोटे मांसल और फूले हुए होते हैं और गुच्छों में लगे हुए होते हैं, जिसके कंद का काढ़ा बनाकर सेवन किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे शतावरी के फायदे। फ्रेंड्स, अनिद्रा रोग यानी कि नींद ना आने की परेशानी। कई लोगों को नींद ना आने की परेशानी होती है। ऐसे लोग 2 से 4 ग्राम शतावरी को दूध में पका लें। इसमें घी मिलाकर खाने से नींद ना आने की परेशानी खत्म होती है। शतावर चूर्ण अनिद्रा की बीमारी में बहुत ही लाभदायक होता है। फ्रेंड्स, शतावर जो है गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। गर्भवती महिलाएँ शतावरी सौंठ, अजगंजा, मुलेठी और भृंगराज को समान मात्रा में लें और इनका चूर्ण बना लें। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर बकरी के दूध के साथ पिएं। इससे गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहता है। फ्रेंड्स, स्तनों में दूध की वृद्धि के लिए शतावरी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। कई महिलाओं को माँ बनने के बाद स्तनों में दूध की कमी की शिकायत हो जाती है। ऐसी स्थिति में महिलाएं 10 ग्राम शतावरी के जड़ के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करें। इससे स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, वीर की कमी की समस्या में 5 से 10 ग्राम शतावरी को घी के साथ रोज सेवन करना चाहिए। इससे वीर की वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, स्वप्न दोष के लिए शतावरी काफ़ी फायदेमंद होती है। स्वप्न दोष का इलाज के लिए शतावर की जड़ का चूर्ण बना लें। इसे 250 ग्राम लें तथा इसमें 250 ग्राम मिश्री डालकर पीस लें। इसे 6 से 11 ग्राम चूर्ण को इसे 250 मिलीलीटर दूध के साथ सुबह शाम पीएं। इससे स्वप्न दोष दूर होता है। फ्रेंड्स, सर्दी जुकाम में शतावरी का प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है। शतावरी का सेवन सर्दी जुकाम में काफ़ी फायदेमंद रहता है। शतावरी की जड़ का काढ़ा बना लें। इसे 15-20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से आराम मिलता है। इस गला बैठने और सूखी खांसी आने पर शतावरी का सेवन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। ऐसी परेशानी में शतावर खिरैटी और चीनी को मधु के साथ लेने से लाभ होता है। और सूखी खांसी में 10 ग्राम शतावरी, 10 ग्राम मिश्री को 150 मिलीलीटर पानी के साथ उबाल लें। इसे दिन में 3 बार पीने से सूखी खांसी खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं शतावरी कहाँ पाया जाता है और कहाँ उगाया जाता है। फ्रेंड्स, भारत में शतावरी की खेती अनेक स्थानों पर की जाती है। इसकी खेती हिमालय क्षेत्रों में 500 मीटर तक की ऊंचाई पर होती है। शतावरी मुख्यतः गंगा के ऊपरी मैदानों क्षेत्रों और बिहार के पठारी भागों में पाई जाती है। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं शतावरी का नुकसान। फ्रेंड्स, शतावरी गैस से पीड़ित लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। शतावरी में कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे राफीबोज कहते हैं। इसे पचाने के लिए पेट में इसका खमीर बनता है। इस क्रिया के दौरान गैस बनती है जो शरीर से बाहर निकलती है। फ्रेंड्स, जिन लोगों को एलर्जी होती है उन्हें शतावरी का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को प्याज या उसके प्रकार से एलर्जी है उन्हें शतावरी से भी एलर्जी हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर किडनी में पथरी हो तो ऐसे में शतावरी का सेवन काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। शतावरी में प्यूरिन होता है। शरीर में प्यूरिन यूरिक एसिड बनाने के लिए टूटता है, जिससे शरीर में प्यूरिन की मात्रा बढ़ सकती है। जिन लोगों को यूरिक एसिड से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि किडनी में पथरी या गाउट, उन्हें शतावरी नहीं खानी चाहिए। ऐसे लोगों को प्यूरिन युक्त खाना नहीं खाना चाहिए।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।